हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हनी है। अगर आपको भी कोई अपनी रियल इंसिडेंट स्टोरी हमको भेजनी हो तो वीडियो में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। तो हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक दादी माँ रहा करती थी जिसकी उम्र तकरीबन 90 वर्ष की थी। गांव के सारे बच्चे रोज उसे कहानी सुनने की जिद किया करते थे और वह सभी बच्चों को साथ में बैठाकर तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी। एक बार की बात है, एक लड़का दादी माँ से जिद करने लगता है कि मुझे आज डरावनी चुड़ैल की कहानियां सुननी है। लेकिन दादी माँ उन बच्चों को तो भूत की कहानी नहीं सुनाना चाहती। उन्हें लगता है कहीं बच्चों के मन में डर न भर जाए, लेकिन सभी बच्चे दादी माँ से जिद करने लगते हैं। तभी दादी माँ कहानी सुनाना शुरू करती है। एक जंगल में एक पहाड़ी थी। वहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडहर था। उसी खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था, जिसमें बहुत से रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात और महिलाओं के बहुत से आभूषण भी थे। वह चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में भय का माहौल बनाए रहती थी, ताकि कोई उस खंडहर के करीब न आ सके। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया और जलाऊ लकड़ी की तलाश में जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया, जहां उस चुड़ैल का खंडहर बना था। खंडहर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। उसने सोचा कि इससे उत्तम जलाऊ लकड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती जो पूरी तरह सूखी हुई थी। वह लकड़हारा खंडहर की सीढ़ियों से लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह द्वार तक पहुंचा, वहां एक बहुत ही विशाल दरवाजा था जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया है, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। मदहोशी की हालत में लकड़हारा अंदर प्रवेश कर गया। खंडहर के अंदर जाते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में अशर्फियां, सिक्के और हीरे जवाहरातों का भंडार था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। स्वाभाविक है, कोई भी इंसान इतना बड़ा खजाना देखकर चकाचौंध ही होगा। तभी खंडहर के अंदर एक आहट के साथ दरवाजा बंद हो जाता है और जोर से हवाएं चलने लगती है। लकड़हारा खंडहर में एक खंभे को पकड़कर अपनी जान बचाता है। तभी वह डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप प्रकट करती है। यह देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और इसी हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। और जब लकड़हारे को होश आता है तो वहां चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आता कि वह यहां कैसे पहुंचा। लकड़हारा अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। वह यह देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह सोचता है उसकी जान बच गई और उसे इतना बड़ा सिक्का भी मिल गया जिससे उसका खर्चा तो चल ही जाएगा। और वह उत्साहित होकर अपने गांव वापस बिना लकड़ियों के ही आ जाता है। घर में आकर सभी को यह बात बताता है, लेकिन उसके घर वाले कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। उसे लगता है मैं इतनी झोर झोर से सबको अपनी बातें बता रहा हूं, लेकिन कोई मेरी बातें सुन क्यों नहीं पा रहा। तभी वह पास में ही पड़े पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए हाथ डालता है, लेकिन वह पानी की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं कर सकता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अदृश्य हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। और तभी दादी माँ सभी बच्चों को नींद से जगाती हैं। दरअसल कहानी सुनते सुनते सभी बच्चों को नींद आ चुकी थी। और जैसे ही सभी बच्चों की आंख खुलती है तो सभी बच्चों के हाथ में एक एक सोने के सिक्के होते हैं। और वह बच्चा जिसने दादी माँ से कहानी सुनने की जिद की थी, वह गायब हो चुका होता है। दादी माँ चारों तरफ उसकी तलाश करती है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई देता। सभी बच्चे सोचते हैं आखिर वो गया कहाँ। वह बच्चा रहस्यमयी लड्डू टिका बनकर रह जाता है।